नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल पर बैठ की सियासत, झारखंड दिल्ली समेत केरल में बीजेपी का मोर्चा। केंद्र सरकार ने छोटी दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। इसके बाद से ही गैर बीजेपी राज्यों जैसे झारखंड, पंजाब, केरल, राजधानी दिल्ली में बीजेपी नेताओं और वर्कर्स ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कमी की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। झारखंड के स्थापना दिवस पर नागरिक सेवा मिशन की बड़ी सौगात, जानिए क्या है मिशन। झारखंड सरकार राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी। यह 15 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं व योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा, यानी इन योजनाओं से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे। झारखंड बिहार के रेल यात्रियों को झटके पर झटका, पाटलिपुत्र के बाद टाटा कटिहार एक्सप्रेसवे के फेरे में कटौती। साल से अधिक समय से बंद ट्रेनों को अब एक एक कर चलाने की घोषणा हो रही है। पहले पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और अब टाटा कटिहार एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है, पर रेलवे ने प्रतिदिन चलने वाले ट्रेनों पर कैंची चलाना शुरू कर दिया है। पहले प्रतिदिन चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चलाने की मंजूरी मिली है। अब रोजाना चलने वाली टाटा कटिहार एक्सप्रेस को हफ्ते में केवल 2 दिन चलाने का ऐलान किया गया है। रेलवे का यह फैसला झारखंड बिहार रेल यात्रियों को झटका है। झारखंड में सोलर पंप सेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे कई किसान, जानिए क्यों हो रही है परेशानी। झारखंड सरकार कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप बांटे जा रहे हैं और किसानों की इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर राज्य में ऐसे कई किसान हैं जो सोलर पंप सेट मिलने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। सोलर पंप सेट के इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर किसानों ने कई प्रकार की समस्याएं भी बताई। राज्य के विभिन्न गांवों में झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किसानों को 2 HP का समर बेल पंप प्रदान किया है। 3 महीने पहले ही उन्हें सोलर पंप मिला है। 16 से कैंप लगाकर दिया जाएगा 26 योजनाओं का लाभ, हुआ शिकायतों का भी होगा निपटारा। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक राज्य भर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में आप जनता से जुड़ी योजनाओं को लाभ व शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। राशन कार्ड बनाने, गलत तरीके से राशन कार्ड लेने वालों का सरेंडर करने, मनरेगा से नए जॉब कार्ड बनाने, कोरोना काल में झारखंड वापस लौटे प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने, सेवा गारंटी का लाभ सहित 26 तरह की योजनाओं का लाभ और समस्याओं का निष्पादन प्राथमिकता के तौर पर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना की सूची जारी, फटाफट चेक करें लिस्ट में अपना नाम। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी गई है। सरकार की ओर से किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पढ़ाने के अलावा मिड डे मील का बोरा भी बेचेंगे शिक्षक, भाजपा बोली दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरे कर्मी को दे जिम्मा। मध्याह्न भोजन मिलना अंतर्गत स्कूलों में बोरों में खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न उपयोग के बाद खाली बोरों का हिसाब आज तक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अब विभाग इन खाली बोरों का हिसाब स्कूलों से मांग रहा है। इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक आदेश जारी कर कहा है कि मिड डे मील योजना के तहत उपलब्ध खाद्यान्न के खाली बोरों का वर्षवार पंजीकरण, खाली बोरों को बेचकर रिपोर्ट झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को उपलब्ध कराए ताकि प्राप्त राशि को सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाता में जमा करें। सरकार के इस निर्देश
का प्रदेश भाजपा ने जोरदार विरोध किया है। भाजपा का कहना है कि सरकारी शिक्षकों से बोरा बिछवाने का निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने कहा कि स्कूलों के दूसरे कर्मी को सरकार इस कार्य में लगाए। डीबीसी ने शाम को पत्र भेजा और रात से शुरू कर दी बिजली की कटौती, कई जिलों में अंधेरा। डीबीसी ने 5 नवंबर की शाम 7:30 बजे झारखंड बिजली वितरण निगम और राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेजा कि रात 12 बजे से 50% बिजली यानी 300 मेगावाट की कटौती शुरू की जाएगी। इधर पत्र मिलने के ठीक 4.5 घंटे बाद रात 12 बजे से ही डीबीसी ने बिजली कटौती शुरू कर दी। नियमतः 15 दिन पहले नोटिस देने का प्रावधान है। बिजली कटौती से रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह व धनबाद के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कोरोना का कहर, झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार में भारी गिरावट, लापरवाही पर होगी सख्ती, जानिए क्या है इसकी वजह और सरकार के निर्देश। त्योहारों को लेकर दूसरे प्रदेशों में बड़ी संख्या में लोग झारखंड लौट रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावना जहां बढ़ रही है, ऐसे में राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की बजाय घट रही है। खासकर टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए केयर इंडिया सहयोग से राज्य में संचालित किए जा रहे 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। पहली सैलरी मिली तो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर संगीता ने गांव के बुजुर्गों को गिफ्ट में दी धोती, बच्चों को दिया गेंद। गरीबी और अभाव के बीच पली बढ़ी बांस के डंडे और शरीफे के गेंद से हॉकी की शुरुआत कर जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम से खेलते हुए रेलवे में सरकारी नौकरी मिलने के बाद संगीता कुमारी पहली बार अपने गांव पहुंची। रेलवे में सरकारी नौकरी मिलने पर पहली बार घर पहुंची अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी ने पहली पगार से मिली राशि से गांव के बुजुर्ग सदस्यों को धोती देकर सम्मानित किया और गरीब बच्चों के बीच हॉकी गेंद व मिठाइयां बांटी। गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के शूटर ने मुखिया के घर बोला धावा, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की पालू पंचायत में मुखिया सह आसू प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के घर बीती रात लगभग 2 बजे सुशील श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोलकर तोड़फोड़ की। घटना के वक्त मुखिया गंगाधर अपने घर में नहीं थे। घटना के बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। ग्रामीणों को जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी रियाज के घर को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार कर आश्वासन दिया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार के मोतिहारी में 100 करोड़ की योजना का शुभारंभ। उपराष्ट्रपति ने 40 छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मोतिहारी में 100 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पिपरा कोठी परिसर में दूसरे दीक्षांत समारोह में पहुंच में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति पधारे थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीक्षांत समारोह में सफल छात्र छात्राओं को अपने हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति ने 40 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया, जबकि कुल 800 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। सेवंथ पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता और राहत के बाद अब मध्य प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन के लिए राहत बड़ी खबर है। जिस माह सेवानिवृत्त हुए उसी माह प्रतिवर्ष पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पेंशनर के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के नए नियम बनाए गए हैं। वहीं आप पेंशनर्स को प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। अबू धाबी में नागरिक कानून के तहत गैर मुसलमानों को दी जाएगी शादी व तलाक की अनुमति। अबू धाबी के शासक द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अबू धाबी में गैर मुसलमानों को नागरिक कानून के तहत शादी करके तलाक लेने और बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार देने की अनुमति दी जाएगी। अबू धाबी न्यायिक विभाग ने कहा, फैसले का उद्देश्य गैर मुसलमानों के लिए नागरिक कानून बनाकर अमीरात के नेतृत्व को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, लॉकडाउन लगने से 48 घंटे के अंदर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने लगे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रविवार को कहा, लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटों के भीतर हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस कार्यक्रम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को अगली पीढ़ी और बच्चों की परवाह है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, एनसीबी अधिकारी और बीजेपी नेता ने की आर्यन खान का अपहरण करने की कोशिश। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार को कहा,
आर्यन ने क्रूज पार्टी के लिए टिकट नहीं खरीदा, यह अपहरण और फिरौती का मामला है। मलिक ने कहा एनसीबी अधिकारी और बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आर्यन का अपहरण करने की कोशिश की, वे भाग्यशाली थे कि पास का सीसीटीवी खराब था और हमें फीड नहीं मिल सका। पर्यावरणविद ने कहा आयु प्रदूषण हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में होने चाहिए लॉकडाउन जैसे उपाय। पर्यावरणविद बिमलेंदु झा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उत्तर भारत में वर्तमान आयु प्रदूषण संकट की गंभीरता से समझे, यह एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। प्रदूषण में पराली जलाने का बड़ा योगदान है। उन्होंने आगे कहा ऐसे में दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास स्कूलों को बंद करने वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय किए जाने चाहिए। पंजाब सरकार ने पेट्रोल 10 रुपया प्रति लीटर और डीजल 5 रुपया प्रति लीटर सस्ता करने का किया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 10 प्रति लीटर और 5 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज मध्यरात्रि के बाद से प्रभावी होंगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपया और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया था। हिंसा के बाद त्रिपुरा पुलिस ने 102 सोशल मीडिया अकाउंट पर यूपीए के तहत दर्ज किए मामले। त्रिपुरा पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में कथित तौर पर गलत खबर फैलाने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत 68 ट्विटर हैंडल सहित कम से कम 102 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ट्विटर को दिए नोटिस में कहा पोस्ट से विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है, इन्हें ब्लॉक करें। गौतम बुद्ध नगर में इस साल सामने आए डेंगू के सर्वाधिक मरीज 500 के पार पहुंची संख्या। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए, जिससे जिले में इस साल डेंगू के कुल मामले 509 तक पहुंच गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश शर्मा के अनुसार यह गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के मामलों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जिले में अभी डेंगू के 68 सक्रिय मरीज है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।